देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर गांव गाठौली में नारी शक्ति को सम्मान करते हुए भाजपा नेता सुनील भारद्वाज, पायल उपाध्याय, समाज सेवी गौतम खंडेलवाल, राश्री खंडेलवाल, शिखा भारद्वाज आदि हर चुनौती में कुंदन सी चमकी, नारी शक्ति के हौसले को किया सम्मान। गाठौली में दर्जनों महिलाओं और स्कूली छात्राओं का सम्मान कर हौसला बढ़ाया गया। गोवर्धन अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर गांव गाठौली की 5 महिलाओं ने मुश्किलों को दरकिनार कर एक नई भारत कड़ी की है। खुद के उद्यम के साथ औरों को सहारा दे रही हैं। नरेंद्र मुखिया और हेमंत शर्मा के निर्देशन में स्त्री स्वाभिमान के माध्यम से गाठौली गांव की 5 महिलाओं ने हौसले और दृढ़ इच्छा शक्ति से न केवल खुद अपना मुकाम बनाया है बल्कि दूसरों की उड़ान के लिए जज्बा दिया है। मौना, इंदु शर्मा, ब्रजलता, कुसमा और मधु ने सैनिटरी पैड बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। हर चुनौती में कुंदन सी चमकी, नारी शक्ति के हौसले को भाजपा नेता सुनील भारद्वाज, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी पायल उपाध्याय, समाज सेवी गौतम खंडेलवाल, राश्री खंडेलवाल, शिखा भारद्वाज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गांठौली में दर्जनों महिलाओं और स्कूली छात्राओं का पटका पहनाकर स्वागत किया और महिलाओं को साड़ी और छात्राओं के साथ सैनिटरी पैड व जरूरी सामान देकर सम्मान कर हौसला बढ़ाया। भाजपा नेता सुनील भारद्वाज ने बताया कि नारी शक्ति है, सशक्त है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही ये रचना विधान है। आज की नारी आत्मनिर्भर है, संबल है और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रही है। इनके हौसलों को बुलंदियों तक पहुंचाने में सहयोग किया जाएगा। वहीं समाज सेवी गौतम खंडेलवाल ने बताया कि महिलाओं और बेटियों ने समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई मुकाम हासिल किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि, उद्यम समेत विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और बेटियों ने देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किए हैं। क्या नाम है आपका और आज यहाँ आपने स्वागत किया है, क्या विशेष है महिलाओं के लिए जो आपने इनको सम्मानित किया है? पहले तो मैं समस्त ग्राम जितने भी यहाँ पर गांव वाले हैं गाठौली गांव की सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर विशेष ये है, जो प्रतिभा बहुत सालों से छुपी हुई थी, शायद हमें पता नहीं लग पाया, लेकिन हम यहाँ पर आए, हमें पता चला इस चीज़ का। क्या हुआ था कि बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए लगे हुए हैं। जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है तब से महिला सशक्तिकरण को देखा जा रहा है। मोदी जी इसके लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। उसका एक कार्य इस गांव गांठौली में, ये CSC का एक जगह है, केंद्र है, जो मोदी जी द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर हमारे नरेंद्र मुखिया जी इनके निर्देशन में ये कार्य चल रहा है। ये 5 महिलाएँ यहाँ पर हैं जो एक सैनिटरी पैड्स को बना रही हैं और इस सैनिटरी पैड्स को बनाकर ये बाजार में एक अपना छोटे से रोजगार को चला रहे हैं और लोगों के बीच में एक संदेश भी दे रहे हैं कि महिलाएं जो हैं आज सशक्त हो सकती हैं, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं जब चांद पे जा सकती हैं तो यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के भी काम भी कर सकती हैं, ग्राउंड पे बैठ के भी काम भी कर सकती हैं। और आज महिला दिवस पर हम इन सब महिलाओं को सम्मान देने आए थे, उनको सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए। कितनी महिलाएं हैं जिनको आपने सम्मानित किया है? यहाँ पर जो इस कार्य को कर रही हैं 5 महिलाएं हैं जिनको हमने सम्मान दिया है। देखिए, हम तो सम्मान देने वाले क्या हैं, जो हमसे बल पड़ा हमने किया, जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य को हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री तक ये बात जाए, इस कार्य को एक बड़ा रूप मिले और इन महिलाओं को बड़े स्तर पर एक सम्मान दे। क्या नाम है आपका और यहाँ की जो आत्मनिर्भर जो लेडियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, पैड जो बनाए हैं, किस आपसे अपने निजी पैसे से बनाया जा रहा है या फिर सत्ता से या किसी के सहयोग से बनाया जा रहे हैं? मेरा नाम नरेंद्र मुखिया है, मैं गाठौली का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो हम सैनिटाइजिंग पैड जो बना रहे हैं वो हम अपने ही पैसों से बना रहे हैं, लेकिन प्रेरणा सरकार की रही है इसमें और हमारे जो साथ में सुनील भाई साहब हैं, सुनील जी, इनका पूर्ण सहयोग हमारे लिए मिलता रहता है, गौतम जी का भी सहयोग हमें मिलता रहता है और जो मोदी जी की प्रेरणा है उससे हमने करीब यहाँ पर 20 से 25 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है और हमारी यूनिट एक दिन में करीब 1000 के करीब पेड़ बना करके सेल कर देती है। कहाँ कहाँ सेल किया जा रहा है? सेल गाँव में चलती है, गाँव के अलावा जो और पास के जो गाँव हैं वहाँ भी हमारी सेल जाती है और उनके लिए भी देते हैं, जो गांव गोवर्धन में, जतिपुरा में या कहीं जैसे सूप हैं, दुकान है, उनको भी हम अपनी। ये कार्य कब से चल रहा है और क्या रेस्पॉन्स मिला है अभी तक? ये कार्य हमारा करीब 8 महीने से ज़्यादा हमें हो गया है इस कार्य को करते करते और इस कार्य को हम कर रहे हैं। कुछ दिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम हो गया था लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहा है। अब हमें उम्मीद जगी है, सुनील जी आए हैं हमारे पास में, उन्होंने कहा है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और इसको ले जा करके
मतलब बुलंदियों पे ले जाने की उन्होंने वादा किया है। आज महिला सशक्तिकरण का दिन है, तो हमसे परसों भाई साहब की बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग करेंगे। आज उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर ये जो महिलाओं का यहाँ स्वागत हुआ है, और आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ उत्साहवर्धन है महिलाओं के लिए।